चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग। विटामिन्स का सेकंड क्लास है, बीच में छुट्टी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ठीक है, तो फिर से जुड़ते हैं हम लोग और चीज़ों को शुरू करते हैं। तो हम लोग बंद किए थे, विटामिन्स के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स क्यों ज़रूरी है, बॉडी में क्या यूज है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जो बात करना है विटामिन्स पर, वो बात होगी हम लोगों का विटामिन्स से केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन्स। किस पे बात होगा? केमिकल्स, केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स यानी हम लोग बोलेंगे विटामिन्स के रासायनिक नाम, इसको हम लोग बोलेंगे विटामिन्स के रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन्स दो टाइप के हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के हैं? दो टाइप्स के हैं, मतलब झारखंड से है, झारखंड से हो बाबू राहुल। चलिए तो पढ़ा जाए ना, शेयर कर दीजिए आप लोग, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए तो शुरू किया जाए। केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के रासायनिक नाम। तो जब हम लोग विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन्स जनरली हम लोगों ने बताया था कि दो तरह के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन्स अगर दो टाइप्स की बात करेंगे तो एक विटामिन्स हम लोगों का था, आ रहा है इसमें नहीं, यहाँ पे, हाँ, विटामिन्स दो प्रकार के हैं। एक को विटामिन्स को हम लोग बोलते हैं बाबू वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी क्या बोलेंगे, जल में घुलनशील विटामिन, वैसा विटामिन जो जल में घुल जाए। बाबू कौन है? तो बी और सी, विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, तो वैसे विटामिन जो पानी में घुल जाए, वाटर में सॉल्युबल हो जाए, उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, विटामिन बी और सी, क्लियर। अब दूसरा विटामिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी हम लोग बोलेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, वैसा विटामिन जो वसा में घुल जाए, फैट्स में घुल जाए। तो ये कौन कौन सा विटामिन है बाबू? तो ए है, डी है, ई है और के है, यानी ये चार विटामिन फैट सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में जहां भी फैट्स होगा वहां ये विटामिन होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछता है हम लोगों के एग्जाम में कि मनुष्य के लीवर में कौन सी विटामिन रहती है। रांची आ गए हैं सर, आप ही के पास पढ़े थे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वहां से पढ़िए, बाकी दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, सभी लोग पढ़ें, सब बढ़े, सब पढ़े, ठीक है। झारखंड में वैकेंसी भी आने वाली है, जब कौन सा झारखंड SSC ना सर, हाँ JTET झारखंड SSC, ढेर सारी वैकेंसी, अभी तो मोदी सरकार में केवल झारखंड में वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो मनुष्य के लीवर में पाया जाता है, मनुष्य के लीवर में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो मनुष्य के लीवर में एग्जाम में रहता है विटामिन ए, तो विटामिन ए बहुत बार हुआ ऑप्शन में, तो छोटी छोटी किताबें लिखना शुरू कर दी कि विटामिन ए मनुष्य के लीवर में पाया जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि इस पृथ्वी पे जितने एनिमल्स हैं मनुष्य को लेकर के, मनुष्य भी क्या है, जानवर है, तो जितने, अच्छा सचिवालय का आ गया वैकेंसी, चलिए अच्छी बात है। तो जो विटामिन ए डी ई और के हैं ये हम लोगों के लीवर में पाए जाते हैं, एनिमल्स लीवर में पाए जाने वाले विटामिन ए डी ई के होते हैं। बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में तो यही पूछता है कि मनुष्य के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो या तो ए होता है या तो डी होता है, जो रहे वो होता है। लेकिन अगर हायर लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे चारों हो सकता है, तब स्टेटमेंट शुरू होगा केवल एक, केवल दो, इस तरह के स्टेटमेंट शुरू होंगे। आया बात समझ में यहाँ पर? तो अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का टॉपिक है, केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन्स, विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं बाबू, तो उसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहले तो बात होगी कि विटामिन्स ए, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का नाम क्या है,
तो विटामिन ए का नाम आप लोग जानते होंगे रेटिनोल है, या कभी कभी एग्जाम में लिख देता है रेटिनॉइड, कभी कभी लिख देता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, ठीक है, जो रहे वो आंसर है हम लोगों का, उससे क्या लेना देना, तीनों है, तीनों रहे तो तीनों आंसर, कोई एक रहे तो एक आंसर, क्लियर रहता भी है। हमने एग्जाम्पल दिया था अभी पिछले क्लास में कि हम लोगों के बिहार दरोगा में ही था कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गोल्डन राइस स्वर्ण चावल जिसको बोलते हैं, तो गोल्डन राइस जो होता है बाबू, गोल्डन राइस में रहता है विटामिन ए, तो विटामिन ए ना देकर के दे दिया था कैरोटीनॉइड, तो सही है कैरोटीनॉइड है तो कैरोटीनॉइड है। फिर हम लोगों का है विटामिन बी, तो विटामिन बी का तो बहुत बड़ा परिवार है, एक तो बी खुद है, एक बी वन भी है, तो बी कहें या बी वन कहें नाम होगा थायमिन, विटामिन बी वन का नाम क्या हुआ बाबू, थायमिन, क्लियर। विटामिन बी टू, बी टू का नाम क्या है बाबू, राइबोफ्लोविन, 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 क्लियर। विटामिन बी थ्री, बी थ्री को बोलते हैं नियासिन, नियासिन, क्लियर। बी फाइव, बी फोर होता नहीं है तो बी फाइव को बोलते हैं हम लोग पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। बी सिक्स को बोलते हैं पाइरीडॉक्सिन, पाइरीडॉक्सिन। बी सेवन को बोलते हैं बायोटीन, बी सेवन को बोलते हैं बायोटीन, याद रखेंगे बी सेवन को ही विटामिन एच कहते हैं, देखते होंगे देता है ना क्या आपके शैम्पू में विटामिन एच है, विटामिन एच बालों के लिए, तो बी सेवन थोड़ा सा हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम लोग बी सेवन को विटामिन एच के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ए का नाम हुआ रेटिनोल, रेटिनॉइड, कैरोटीनॉइड, बी वन को थायमिन, बी टू को राइबोफ्लोविन, बी थ्री को नियासिन, बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स को पैरिडॉक्सिन, बी सेवन को बायोटीन के नाम से हम लोगों ने नाम दिया। बी सेवन के बाद हम लोगों से पूछेगा बी नाइन, तो बी नाइन का नाम क्या होगा बाबू, तो फॉलिक एसिड, बी नाइन का नाम होता है फॉलिक एसिड। विटामिन बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व का होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो विटामिन ए और बी का परिवार खत्म हुआ, ठीक है, ए और बी के फैमिली क्या हुआ, खत्म हो गए, ए था यहाँ, बी था इधर, तो बी याद रखेंगे कि बी वन को बोलेंगे थायमिन, बी को भी बोलेंगे थायमिन, बी टू को बोलेंगे राइबोफ्लोविन, बी थ्री को बोलेंगे नियासिन, बी फाइव को बोलेंगे पेंटोथेनिक, बी सिक्स को बोलेंगे पैरिडॉक्सिन, क्लियर। बी सेम, चावल ज़्यादा धोने से बी बारह नष्ट हो जाएगा सर, बी बारह नहीं बाबू, चावल में जो रहता है वो बी वन रहता है, बी वन, चावल के छिलका में बी वन पाया जाता है, तो चावल जितना धोएंगे उतना बी वन क्या होगा, धुल जाएगा, बह जाएगा, क्लियर। बी का परिवार खत्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बी के बाद सी का भी देख लेते हैं, सी के भी नाम है, सी में भी क्या है, बढ़ाए इसको, चलिए विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा। तो विटामिन सी की जब शुरुआत करेंगे तो देखेंगे क्या क्या है, विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, विटामिन डी भी हो सकता है, डी वन भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है बाबू, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी टू बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, डी टू का नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल या अर्गी कैल्सीफेरॉल, अर्गी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, या ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी इसको पढ़ते हैं, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी थ्री को बोलते हैं कैलोकैल्सीफेरॉल या कोलोकैल्सीफेरॉल, कोलोकैल्सीफेरॉल या कैलोकैल्सीफेरॉल,
कैल्सीफेरॉल। क्लियर, तो डी का भी परिवार खत्म हो गया। आया समझ में बात। विटामिन सी को बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी वन को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, डी टू को अर्गी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, डी थ्री को कैलो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक बात, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखना है हम लोगों को। क्लियर, चलिए मिटाएं इसको, मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, विटामिन डी हो गया, विटामिन डी के बाद ई, ई का नाम क्या है बाबू, तो इसका नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ई के बाद के नंबर, के नंबर को फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन हिंदी में पढ़ते हैं फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। के को के वन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। के टू को बोलते हैं मेना क्विनोन, के थ्री को बोलते हैं मेना डायोन, ध्यान रखेंगे। के वन के टू के थ्री, के वन का नाम क्या है बाबू फाइलोक्विनोन, के टू का नाम क्या है मेना क्विनोन, के थ्री का नाम क्या है मेना डायोन के नाम से हम लोग जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, के तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब के टू के थ्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आया समझ में यहाँ तक। तो विटामिन हम लोगों ने देखा कि विटामिन्स के केमिकल्स नेम, तो विटामिन ए का केमिकल्स नेम क्या हुआ बाबू, तो विटामिन ए को हम लोगों ने बोला रेटिनॉल या रेटिनॉइड या कैरोटिनॉइड। फिर विटामिन बी वन को हम लोगों ने बोला थायमिन, विटामिन बी टू को बोला राइबोफ्लोविन, विटामिन बी थ्री को बोला हम लोगों ने क्या नियासिन, बी फाइव को बोला हम लोगों ने पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स को बोला पैरिडॉक्सिन, बी सेवन को बोला बायोटीन, बी नाइन को बोला फॉलिक एसिड, बी ट्वेल्व को बोला हम लोगों ने साइनोकोबालामिन, विटामिन सी को बोला एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी वन को बोला कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी टू को बोला अर्गी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी थ्री को बोला कैलो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोला टोकोफेरॉल, विटामिन के को बोला फाइलोक्विनोन, विटामिन के टू को बोला मेनाक्विनोन और विटामिन के थ्री को बोला मेना डायोन। आया समझ बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्का में मत लेना, विटामिन से खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज मतलब विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या रहेगा हम लोगों का, विटामिन विटामिन की कमी से होने वाले रोग। पहले दिन हम बताए थे जिस दिन विटामिन की शुरुआत हुई थी कि विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग की जब बात करेंगे, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज की बात करेंगे, तो हमने बताया था कि विटामिन्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन विटामिन जो है हम लोगों के बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो किसी भी विटामिन की कमी से एक स्पेसिफिक बीमारी होती है, यानी हर विटामिन का एक अपना प्रॉपर बीमारी भी है कि किसकी कमी होगी तो कौन सा बीमारी होगा। तो वही हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन कम हुआ तो कौन सी बीमारी आ गई, तो हम लोग देखते हैं। तो विटामिन ए की शुरुआत करते हैं, विटामिन ए। तो विटामिन ए जब हम लोगों के बॉडी में कम हो जाएगा तो बीमारी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी में क्या होगा, दिन भर ठीक रहेगा, शाम होते होते दिन भर डिजिटल इंडिया, रात होते होते डार्क इंडिया।
ठीक है। दूसरी बीमारी जो इंपॉर्टेंट है, जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया हिंदी होता है इसका, देखो शुष्कता। जब 2015 में बिहार सचिवालय में क्वेश्चन पूछा कि शुष्कता बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, ए नंबर ऑप्शन डी था, विटामिन डी। सबने देख आया कि शुष्कता अशुष्क में अंतर थोड़ी ना है कुछ, ठीक है, लेकिन विटामिन डी की कमी से शुष्क रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से होती है बीमारी जेरोप्थैल्मिया, जिसे बोलते हैं शुष्कता। तो रतौंधी में तो ठीक है कि दिन भर डिजिटल इंडिया, शाम होते होते डार्क इंडिया, ये जेरोप्थैल्मिया में क्या होगा बाबू? तो जेरोप्थैल्मिया में आंखें सूख जाएगी, आंसू नहीं निकलेगा, आंखें लाल हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे जेरोप्थैल्मिया। तो आंखें सूख कैसे जाएगी बाबू? अभी कौन सी गीली है, ये भी हो सकता है। अभी कौन सा आँख हम लोग का गीला है? तो गीला है हम लोग के आँखों से हमेशा आँख के कॉर्नर में एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड नाम सुने होंगे, लैक्रिमल ग्लैंड हम लोगों के आँख में पाया जाता है, इससे आंसू निकलता है, इसे आंसू निकलता है। चलिए नीरज पहुँच गए, चलिए अच्छी बात है। हम लोगों के आँख से, लैक्रिमल ग्लैंड से हमेशा आंसू निकलता है, और ये आंसू जब निकलना बंद हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से हम लोगों का लैक्रिमल ग्रंथि भी प्रभावित होता है, लैक्रिमल ग्लैंड भी प्रभावित होता है। लैक्रिमल ग्लैंड प्रभावित हुआ, आँख से आंसू निकलना बंद हो गया, आँखें सूख गई, लाल हो गई, तो जेरोप्थैल्मिया हो गया, उसी को हिंदी में हम लोगों ने कहा शुष्कता। विटामिन बी वन की कमी से बीमारी होती है बेरी बेरी एक बीमारी है। ये कैसा बीमारी है भाई? उल्टियाँ होगी इसमें, हाथ में झंझनाहट होगा, हार्ट भी दर्द करेगा, लंग्स भी दर्द करेगा, पैरालिसिस का भी खतरा होगा। अमरेश भी पहुँच गए, चलिए ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बेरी बेरी के कैरेक्टर क्या होंगे, तो इससे हार्ट भी अफेक्टेड होगा और लंग्स भी अफेक्टेड होगा। आया बात समझ में? हार्ट भी अफेक्टेड होगा, लंग्स भी अफेक्टेड होगा विटामिन B1 की कमी से, और B1 की कमी से बीमारी होगी बेरी बेरी। इसमें पैरालिसिस का भी खतरा रहता है, हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है, हार्ट से संबंधित बीमारियों का खतरा रहेगा। और ये जो बेरी बेरी है, विटामिन B1 जो है, यह मिलता है बाबू कहाँ से? तो चावल के छिलका से। अब सोचोगे चावल का छिलका कौन सी है भाई? तो जब हम लोग चावल खरीदते हैं तो चावल को धोते हैं तो पानी वाइट कलर का निकलता है, तो चावल का छिलका ही धुल के निकलता है। तो चावल का जो आउटर लेयर है उसमें विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में है, विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इसको गेन कर सकते हैं। विटामिन ए के लिए तो गाजर है, नहीं गाजर तो एकदम कॉमन है, हरी सब्जियों में विटामिन ए रहता है, ध्यान रखेंगे। कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स है, कोई भी फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसमें विटामिन ए और सी रहता है, ध्यान रखना होगा इसको। अंडा में भी विटामिन ए रहता है। चलिए क्लियर, विटामिन B1 तो हो गया। B2 से बीमारी होती है किलोसिस। किलोसिस बड़ी बार एग्जाम में पूछा, किलोसिस क्या है, किलोसिस किस तरह की बीमारी है, ठीक है। किलोसिस बीमारी में होता क्या है कि जैसे देखे होंगे कुछ बच्चों के कॉर्नर में, लिप्स के कॉर्नर में घाव बना रहता है। गांव में लोग बोलते हैं कि जूठा खाना खा लिया होगा किसी का, ठीक है। राजन क्या नाम है जी? राजनंदनी कुमारी भी पहुंच गई, चलिए ठीक है। हाँ लेट से पहुँचिएगा तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, टाइम से पहुँचिए, पढ़िए, ठीक है। हाँ नहीं तो फिर से वीडियो को देखते रहिए अपना घर पर बैठ के। हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं ना, रहने दीजिए, बाहर का आवाज़ आ रहा है जी चलिए। किलोसिस किस तरह की बीमारी है? तो किलोसिस बीमारी में जिसको बचपन में या गांव में लोग बोलते हैं कि जूठा खाना खाने से हो गया है, देखते होंगे यहाँ कॉर्नर में घाव रहता है हमेशा, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो छाला मुंह में होता है, छाला घाव मुंह में होते हैं, ज़्यादा एसिड निकल जाता है स्टोमिक से, तो उसी तरह का हमेशा मुँह में घाव बना रहे, हमेशा मुँह में घाव बना रहे और वो घाव बाहर दिखने लगे, तो उसी को बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस
आया समझ बा, बीमारी कौन सी है? किलोसिस। देखते होंगे जब मुंह में छाला पड़ जाता है, बाहर में घाव निकल जाता है, तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो दे देगा बीकोसिल, जेंटेक, चबाने के लिए। वो क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है, तुरंत बी लेंगे, ऑब्जर्व करेगा बॉडी, ठीक हो जाएगा। आया बात समझ में? बी टू, बी थ्री, बी थ्री और बी फाइव, बी थ्री और बी फाइव दोनों से एक ही बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेलाग्रा। पेलाग्रा बीमारी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये किस तरह का बीमारी है बाबू? तो पेलाग्रा बीमारी में क्या होगा कि हम लोगों का स्किन फटने लगेगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, ठीक है? स्किन क्या होगा? ड्राई होने लगेगा, स्किन हम लोगों का ड्राई हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, ठीक है? तो उस बीमारी को बोलते हैं पेलाग्रा। जिस तरह से हम लोगों के पैर की एड़िया फटती है, जिस तरह से हम लोगों की पैर की एड़िया फटती है, उसी तरह से पूरा स्किन फटने लगे तो उस बीमारी को हम लोग बोलेंगे पेलाग्रा। यानी स्किन इसमें क्या होगा? ड्राई हो जाएगा। जैसे गर्मी ठंडा के दिनों में देखते होंगे स्किन फटने लगता है, तो वैसलीन वगैरह कुछ लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन अब वैसलीन लगा रहे हैं, सरसों तेल लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, तो समझ लेना है कि किससे अफेक्टेड होगा? पेलाग्रा से, ठीक है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। बी सिक्स के बाद एक बीमारी है, बी फाइव हो गया, बी सिक्स। बी सिक्स जो होता है ये एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया, वो भी स्पेशल पुरुष में, मेल में जो एनीमिया का कारण है, ठीक है, सामान्यतः मेल में जो एनीमिया का कारण है, एनीमिया का कारण है, रक्त की कमी का कारण है, वो बी सिक्स की कमी से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बी सिक्स की कमी से स्वप्न याद नहीं रहता है, स्वप्न याद नहीं रहता है। जैसे रात में स्वप्न देखें, सुबह तक पूरा डिजिटल याद है, कोई बात नहीं, अच्छा चीज़ है, यानी बी सिक्स प्रचुर मात्रा में है। रात में सपना देख रहे हैं, सुबह भुला गए का देख रहे थे, तो बी सिक्स की कमी है। तब सोच रहे होंगे सपना याद रहे, बी सिक्स कहाँ से लें? तो बी सिक्स लेने के लिए ज़रूरत है बाबू, सबसे अच्छा स्रोत है इसका जो छुहाड़ा है, खजूर, ठीक है? खजूर और छुहाड़ा दोनों सेम होता है, पता है ना? लेकिन दोनों में मिनरल्स अलग अलग पाए जाते हैं। तो बी सिक्स कहाँ से लेंगे? ड्राई फ्रूट से हम लोगों को मिल जाएगा, अनाज में भी रहता है बी सिक्स। बी सेवन, बी सेवन से बाल उड़ने लगते हैं, बी सेवन से बाल उड़ने लगते हैं, यानी हेयर फॉल की समस्या, पैरालिसिस की खतरा बी सेवन से रहता है। इसलिए बी सेवन को विटामिन एच कहते हैं, एच फॉर हेयर, हेयर के लिए, बालों के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? बी सेवन। तो बी सेवन से क्या होगा बाबू? हेयर फॉल होगा, बी सेवन हेयर फॉल, बी सेवन की कमी से हेयर फॉल होगा, ठीक है? पैरालिसिस भी होगा, ठीक है? इसलिए बी सेवन लेते रहना है। बी सेवन तो अनाज में मिलता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा बी सेवन मिलता है घोघा में, घोघा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल, ठीक है? घोघा, स्नेल, इसमें बी सेवन प्रचुर मात्रा में रहता है, क्लियर? बहुत लोग हैं जो घोघा खाते हैं, ठीक है, स्नेल को। बी नाइन, बी नाइन की कमी से होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया फीमेल, फीमेल में जो एनीमिया होता है उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इंडियन फीमेल में ये कॉमन बीमारी है बी नाइन की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब बी नाइन में रहता है लोहा, याद रखेंगे बी नाइन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो बी नाइन में पाया जाता है बाबू लोहा, बी नाइन में लोहा। बी ट्वेल्व में पाया जाता है कोबाल्ट, बी ट्वेल्व में क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट। और बी ट्वेल्व से कौन बीमारी होगी बाबू, इसकी कमी हो जाएगी? तो परनीसियस एनीमिया, देख रहे हो, परनीसियस एनीमिया, बी ट्वेल्व, माइक्रोसाइटिक बी नाइन, ठीक है, बी सेवन हेयर फॉल, पैरालिसिस, ये सब बीमारी होगी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा रहे हैं इसको। तो बी के परिवार खत्म हुए, बी से कौन सी बीमारी होगी पता चल गया।
अब बात करते हैं हम लोग बी का परिवार जब खत्म हुआ तो सी के परिवार की बात करते हैं। सी के परिवार की बात करते हैं, सी क्या कह रहा है? तो विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है बाबू, अस्कर्वी, अस्कर्वी, अस्कर्वी। अस्कर्वी बीमारी किसकी बीमारी है बाबू? मसूड़े की बीमारी है, मसूड़े की बीमारी है। इसमें मसूड़े जो हैं स्वेल कर जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे, दांत गिर जाएंगे, ब्लीडिंग भी दांत से मसूड़े से खूब होगा, तो उसको बोलेंगे कि अस्कर्वी हुआ है, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी का हम लोगों के बॉडी में काम आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना काल में विटामिन सी के बारे में सब लोग समझ गए, जो नहीं जानते थे वो भी, कि यह क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का ठेका कौन लिया है बाबू? विटामिन सी। दूसरी बात, विटामिन सी का और क्या काम है? तो यह आयरन को शरीर में ऑब्जॉर्ब करके रखता है, ऑब्जॉर्ब करके रखता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी आयरन को शरीर में स्टोर करके रखने का काम करता है, विटामिन सी आयरन को शरीर में स्टोर करने का काम करता है, और विटामिन सी का स्रोत है आंवला। याद रखेंगे, खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा हानि विटामिन सी का होता है, खाना पकाते समय सबसे अधिक हानि विटामिन सी का होता है। तो सी को बचा के रखना है, खाना को कम फ्राई करना है, क्लियर। अब विटामिन सी ताजी हरी सब्जियों से विटामिन सी मिल जाएगा, दुनिया में जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं उनसे मिल जाएगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा चाहिए तो गुजबेरी बराबर आंवला, क्या खाना पड़ेगा? आंवला। आंवला को अंग्रेजी में गुजबेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले आंवला खाएंगे, अंग्रेजी मीडियम वाले गुजबेरी खाएंगे, क्लियर। वैसे भी आंवला वगैरह खाते रहना चाहिए, देख रहे हैं कि कोरोना में वही सुरक्षित हैं जो आंवला खाया था, ठीक है, या जो खा रहा है विटामिन सी का स्रोत ले रहा है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए तो आगे बात करते हैं, विटामिन सी खत्म हो गया, विटामिन डी। विटामिन डी से बीमारी होती है रिकेट्स, रिकेट्स। विटामिन डी से बीमारी होगी रिकेट्स किस में? बच्चों में, इन चाइल्ड। बड़ों में हो जाएगी तो ओस्टियोमाइलेसिया, ओस्टियोमाइलेसिया। एडल्ट में होगा तो उसको बोलेंगे कि रिकेट्स नहीं हुआ है, ओस्टियोमाइलेसिया हुआ है। और दोनों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो ओस्टियोमाइलेसिया। एडल्ट में होगा तो ओस्टियोमाइलेसिया, बच्चों में हो गया तो रिकेट्स कहेंगे। तब क्वेश्चन पूछता है कि एक बच्चा है जो ज़िंदगी भर एसी में रहता है, उसको कौन सी बीमारी होने की संभावना है? तो विटामिन डी बराबर सनशाइन विटामिन, विटामिन डी बराबर सनशाइन विटामिन। सन से मिलेगा, धूप से मिलेगा, धूप में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। मार्केट में विटामिन डी टू, डी थ्री के अब कैप्सूल भी मिल रहे हैं कि अगर किसी में कम है तो मार्केट से भी ले सकता है, बहुत लोग ले भी रहे हैं, बहुत लोगों में विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ जाती है लोगों को, क्लियर। डी भी क्लियर। विटामिन ई, विटामिन ई से कौन बीमारी होगा इसको देखा जाए। विटामिन ई, विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई जो होता है, इससे स्किन अनहेल्दी हो जाते हैं, यानी त्वचा स्वस्थ नहीं रहती है, गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, लेस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाती है, यानी प्रजनन, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। यानी एक लाइन में बोलें तो इसी को हम लोग बोलते हैं बांझपन, ठीक है,
विटामिन ई की कमी से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी फर्टिलिटी सिस्टम डेवलप नहीं होता, नहीं रहेगा अच्छा, और स्किन अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसके स्रोत क्या है बाबू? अंकुरित अनाज, कुछ भी अंकुरित खाओ, चावल गेहूं जो खाना है अंकुरित करके, मटर मूंग जो भी है, सबसे विटामिन ई की डिजायर क्या होगी? पूरी हो जाएगी। और विटामिन ई त्वचा को हेल्दी रखता है, सन के पराबैंगनी किरण से बचा के रखता है। इसलिए दुनिया में जितने कॉस्मेटिक क्रीम हैं, प्रसाधन जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक क्रीम को, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में नहीं बल्कि थोड़ी मात्रा में विटामिन ई रहता है। इसलिए विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन सुंदरता का विटामिन कहते हैं किसको? विटामिन ई को। आया समझ में? कोई भी क्रीम लगाओ, फेयर एंड लवली से लेकर के इमामी हैंडसम तक, फेयर एंड लवली तो नाम चेंज कर लिया है, तो नाम चेंज ही सही। ठीक है, आगे बढ़ा जा, विटामिन ई का परिवार खत्म, के को देखा जा। विटामिन के क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए, विटामिन के क्या कह रहा है? तो विटामिन के कहता है कि अगर किसी के शरीर में हमारी कमी हो गई तो हम ब्लड को जमने नहीं देंगे। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या बोलेगा ये, कि हम ब्लड को जमने नहीं देंगे। और उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं बाबू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा? नहीं हो पाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो रक्त रुकेगा ही नहीं। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग से व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग से मौत हो जाएगी। ठीक है, राहुल रंजन बोल रहे हैं कि हेमरेज, हेमरेज वो तो स्पेशल कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ब्रेन में वेन फट जाते हैं, तो ब्रेन हेमरेज के नाम से उसको जानते हैं। और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो हॉस्पिटल पहुंचने में देर हुआ तो ब्लीडिंग होकर व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग होकर के व्यक्ति की मौत हो जाएगी। हाँ, अगर हॉस्पिटल समय से पहले पहुँच गया तो बच जाएगा। इसलिए आजकल जैसे गोल्डन आवर एक टाइम यूज होता था, हमने बताया होगा आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में, हार्ट अटैक के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे? तो मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं गोल्डन आवर फोटोग्राफी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तो उसके पास एक गोल्डन आवर होता है कि उस टाइम के अगर अंतर में उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया तो गोल्डन आवर कहलाता है। तो उस टाइम में अगर पहुंचा दिया हॉस्पिटल तो व्यक्ति क्या होगा? बच सकता है। तो गोल्डन आवर से पहले ये चला गया तो बच जाएगा। अब जो है विटामिन के की कमी से जो हीमोफीलिया बीमारी हो रही है, तो हीमोफीलिया बीमारी के साथ कंडीशंस है, हीमोफीलिया थोड़ा जेनेटिक्स भी है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? जेनेटिक्स बीमारी है, एक्स क्रोमोजोम्स इससे अफेक्टेड होता है। तो आने वाले जनरेशन में ये बीमारी जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, जाती भी है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसे बीमारी जाती है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा एक डायग्राम के थ्रू। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा फैक्ट है इस बीमारी से उसको समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर, लिख लिया जाए। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। बात करने जा रहे हैं हम लोग किसके बारे में? हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो है, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं शाही बीमारी, शाही बीमारी। शाही बीमारी क्यों भाई? तो इस बीमारी का पता चला था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में, तो इसलिए इसका नाम हो गया शाही बीमारी, कि रॉयल फैमिली में है तो रॉयल नाम होना चाहिए इसका। दूसरा बात नाम है इसका क्रिसमस बीमारी। अब देखो इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिसमस नाम का एक व्यक्ति था, उसको हुआ था इसलिए क्रिसमस बीमारी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, महारानी को पता चला दिसंबर महीना में और उस समय क्रिसमस का त्यौहार रहता है इसलिए इसका नाम हो गया क्रिसमस बीमारी। इसमें ब्लीडिंग होते रहता है इसलिए नाम हो गया इसका ब्लीडर्स बीमारी। ब्लीडिंग हो रहा है तो नाम हो गया ब्लीडर्स बीमारी। ठीक है,
ब्रेडर्स बीमारी के नाम से इसको जानते हैं, और यह जेनेटिक है थोड़ा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसलिए इसका एक और नाम हो गया आनुवांशिक बीमारी। यह क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है। इट इज अ जेनेटिक्स डिजीज, जेनेटिक्स डिजीज। अब जेनेटिक्स डिजीज हुआ तो क्रोमोजोम्स अफेक्टेड होता होगा, तो इस बीमारी में एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब प्रभावित होता है तो इसको कोई कैरियर होगा, कोई लेके जाता होगा, तो इस बीमारी का महिलाएं यानी फीमेल, इस बीमारी की महिलाएं वाहक होती है, वाहक कैरियर होती है, वाहक होती है, मतलब इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम किसका है? फीमेल का है, महिलाओं का है। लेकिन यह अधिकतर पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। तो होगा किस में बाबू? पुरुषों में। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर कौन जाएगा? तो फीमेल लेकर जाएगी। तो इसको नोट करेंगे, जो बोर्ड पर दिख रहा है इसके स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे, तब हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यह कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी को लेकर जाता है। कैसा लगा? आया समझ में कुछ? चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, डायग्राम से समझेंगे कि अगर बाप को है तो बेटी में होगा कि बेटा में होगा, अगर माँ को है तो बेटा में होगा बेटी में होगा, अगर माँ को है तो बेटी के बेटी में क्या होगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू। तब तक हम लोग घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास 4:30 में, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्लियर? तो धन्यवाद।